बीना रिफाइनरी द्वारा अधिग्रहण की जा रही किसानों की भूमि को लेकर तहसील में किसानों का प्रदर्शन, उचित मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। दरअसल बीना रिफाइनरी बीपीसीएल के विस्तार हेतु जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें ग्राम आगासोद, भाकरई, गोल मंडी, पुरैना, किसिया को एकड़ भूमि शामिल है, जिससे नाराज बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर सोमवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार हेमराज बेहर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि किसानों के परिवार का कृषि भूमि से ही भरण पोषण चलता है, उसके बावजूद भी पर्याप्त मुआवजा राशि नहीं दी जा रही। किसानों ने 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि देने की मांग की है और अगर कंपनी के द्वारा अनुचित दबाव बनाया गया तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वहीं किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम ग्राम भाकरई के निवासी, भाकरई, आगासोद, दोनमढ़ी और पुरैना के ग्रामवासी हैं। हमारी जमीन को क्या पेट्रोकेमिकल द्वारा जो विस्तार किया जा रहा है, उसमें जमीन अधिग्रहण की जा रही है, तो उसमें क्या है कि हमारी जमीन के जो रेट हैं वो ना के बराबर हैं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के एकड़ है, जिसका डबल करके कहीं 8 का कर रहे हैं, कहीं 5 का कर रहे हैं, कहीं 6 का कर रहे हैं। और आज की इतनी मतलब महंगाई की दर में 5 लाख रुपए में एकड़ में हम लोग देखे, हम लोग किसान क्या करेंगे? ना तो उसमें कोई ऐसा मतलब अभी सरकारी कोई नौकरी का प्रावधान किया गया है, ना स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसा दिया गया है, ना कि शिक्षा के बारे में कोई नहीं, केवल एक नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आपकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है पेट्रोकेमिकल के द्वारा। तो हम लोग मतलब कहना है कि हम इतने कम दामों में, कभी चाहे सभी लोग किसान अपना आत्मदाह कर लेंगे, पर इतने कम दामों में हम लोग जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। मामला यही है सर कि लगभग 500 एकड़ जमीन ये अधिग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग देना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हम लोगों की मेन जो कुछ है हम लोगों का अगर भरण पोषण का, वो जमीन ही है। तो इसका इतना कम रेट दिया जा रहा है कि आज अगर कहीं लेते हैं तो जमीन भी नहीं आएगी, रहना पालना तो बहुत मुश्किल है। और नोटिस भी ऐसे समय दिया है कि छुट्टियां हैं, लोग किसानी में लगे हुए हैं, तब जाके इनने नोटिस दिया है। और आज भी यहाँ आए हैं तो कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं मिला, नायब तहसीलदार ही मिले हैं। अब आगे आप लोगों के सहयोग से देखते हैं क्या होता है। हम लोगों की मांग है कम से कम 50 लाख की एकड़ जमीन ली जाए, कम से कम जिसकी जमीन जा रही है उसके परिवार से एक जन को नौकरी दी जाए और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं, तब कहीं हम लोग विचार करेंगे। सो मैं सुजीत अग्रवाल, ग्राम आगासोद, दोनमढ़ी में मेरी जमीन है जो कि पेट्रोकेमिकल के लिए अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें हम लोगों को नोटिस मिले हैं तो हम लोगों ने नहीं लिए हैं। नोटिस भी ऐसे समय दिएगा जब छुट्टियों का समय चल रहा है, जिसमें हम लोग परेशान हो रहे हैं खेती के काम छोड़कर, और यहाँ भी कोई जिम्मेदार अधिकारी, न SDM न तहसीलदार मिले नहीं है हमारे लिए। हम लोगों ने नायब तहसीलदार जी को दिया है अपना ज्ञापन, और हम लोगों की मांगे ये है कि सरकार किस बेस पर अधिग्रहण कर रही है पहले तो ये बताए। वो केंद्र सरकार की खुद गाइडलाइन है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग के लिए जमीन जो अधिग्रहण होती है वो 4 गुना है, लेकिन वो 2 गुना में दे रहा है, उसमें भी 4 लाख रुपए एकड़, 5 लाख रुपए एकड़ के पैसे दे रहा है, जिसमें हम बीना में एक प्लॉट नहीं आ रहा आज 5-10 लाख रुपए में। और जो कुएं हैं हमारे खेत में, बोर हैं, लकड़ियां हैं इमारती, उनके पैसे नहीं दे रहे हैं। मतलब ये तो सीधी धांधली है हम लोगों के साथ, और हम अपनी जमीन नहीं देंगे।